कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दौरान सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे में वाराणसी के एक योद्धा जो कोरोना वायरस के संक्रमण की इस घड़ी में लोगों की सेवा कर रहा है, इस योद्धा का नाम है अमन कबीर, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है। वाराणसी में अमन कबीर अपने बाइक से लोगों को दवा उपलब्ध करा रहा है। बाकायदा अमन कबीर ने एक नंबर हेल्पलाइन के तौर पर दिया है, जिस पर कोई भी फोन करके दवा प्राप्त कर सकता है। इस लॉकडाउन में सभी प्रकार के सेवा चल रहे हैं, इसी क्रम में बहुत से जो है दवा दुकानें नहीं खुल पा रही हैं समय पर, तो बहुत लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो कोई दूध मुआ बच्चा का दूध का पाउडर पहुंचाना, कोई छोटा बच्चा है, कोई परिवार का जो बीमारी से ग्रस्त है और उसकी दवा नहीं जा पा रही है, तो पूरे शहर में या वो DLW या वो भीतरी गली या राज मंदिर या जिधर भी जहाँ से भी सूचना आ रही है, प्रयास है कि दवा पहुँच जाए। और जो दवा का मार्जिंग है उतने में ही वो कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा और वैसी नहीं। बहुत लोग ज़्यादा पैसा देना चाह रहे हैं हमारे सेवा कार्यों, लेकिन निवेदन है कि हमको ज़्यादा पैसा ना दे, जो सही है उसी दाम पर आप दवा लें और आपको सेवा ये लगातार जारी रहेगी। यहाँ से फ़ोन आया था, मेरा हेल्पलाइन नंबर है, फ़ोन आया था, सूचना था, तो मैं कबीचौरा पर अपने मित्र कार्तिक खरवा जी मेरे मित्र हैं, उनके सहयोग से मैं दवा, अभी एक छोटे बच्चा था उसकी दवा पहुँचानी थी, दवा भी पहुँचाया और जो सही दाम था, उनके पिताजी ज़्यादा पैसा दे रहे थे, लेकिन जो सही दाम था वो सही दाम पर मैं उनका वो किया। अमन कबीर ने बताया कि उन्होंने एक बाइक एम्बुलेंस तैयार की है। इस बाइक एम्बुलेंस की खास बात यह है कि ये मेडिकल किट और दवाओं के साथ बीमारियों से जूझ रहे लोगों तक पहुंच जाती है और उनकी सेवा करती है। फिलहाल अमन को किसी प्रकार की सरकारी सुविधा तो नहीं मिली, मगर लोगों के सहयोग से अमन सड़कों पर जिंदगी बिता रहे लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। ब्रह्मा घाट पर रहते हैं इसी मकान में, और मेरे बच्चे की अचानक तबीयत बुखार आने के कारण दवाई मंगवानी पड़ी, सारी मेडिकल स्टोर सारे बंद हैं, तो वो समस्या हो रही थी, उसके कारण मैंने ऑनलाइन दवाई मंगवाई। मैंने कहा कि इतने दूर से आए हैं लेके आए, कुछ ज़्यादा पैसा लगा होगा, इसलिए मैं उनको ज़्यादा पैसे दे रहा था, पर उन्होंने एक भी रुपया ज़्यादा नहीं लिया और हमको दवाई दे दी। इन लोगों की वजह से तो बहुत सारी सहूलियत मिल रही है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान होते, पर ऐसे भी परेशान ही हैं, पर कम से कम ये अच्छा है कि हमसे दवाई मिल गई। सवा दो साल का बच्चा है, उसको अचानक बुखार आ रहा था और शरीर गर्म होने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो मुझे लगा कि उसकी दवाई लेना चाहिए, इसलिए मैंने इमरजेंसी में दवाई मंगवाई। ऐसे लोगों के लिए तो मैं बहुत, इन लोगों का भी और प्रशासन का और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे कम से कम दवाई मिल गई, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा एक तरह की टेंशन में था। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।